राधे राधे, साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आपके लिए फिर से एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं, मूंग दाल के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे एक कटोरी दाल है जो रात को बच गई थी, हम आज इसी से नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसी में हम दाल डाल देंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा ही हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि हमारी दाल में पहले से ही मसाला डला हुआ है, इसीलिए थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे। अब क्या है, हमें ये मिक्स कर देना है। आटे को और दाल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डालना है। हमारी जो दाल है इसी से हमारा आटा तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। तो देखिए कितना अच्छा सा मेरा आटा बनके तैयार हुआ है मड़के ने। मूंग की दाल के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपके पराठे कैसे बने। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं पराठों को। तो देखिए मेरा कितने अच्छे से आटा मड़के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें गोल गोल इसकी लोई बना लेनी है। ये मेरा बहुत ही सॉफ्ट आटा है और इसको आटा लगा के, सूखा आटा लगा के हमको ये बेल लेना है। तो देखिए मेरी इसमें दाल पड़ी हुई है, इसीलिए मेरा एकदम गोल पराठा बनके नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें दाल है आटे में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक कटोरा लेना है। हम इसी से इसको गोल बनाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पराठा है उसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा पराठा बनके आया है, कितना गोल बनके आया है। आप यकीन मानिए दाल के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरी रात को दाल बच गई थी, इसीलिए मैंने सोचा इसका क्या करना चाहिए, क्या करें इसका। तो मैं तो अक्सर करके पराठे बनाती रहती हूँ दाल के, तो मैंने सोचा मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं दाल के पराठे बना रही हूँ। आपको भी एक नई चीज़ देखने का मौका मिल जाएगा, जानने का। आप एक बार इनको घर पर ज़रूर बनाएं और आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, और आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार बना कर खाएंगे। दाल के पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगी। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। तो देखिए मेरा कितना स्वादिष्ट करारा सा पराठा बनके तैयार होने ही वाला है थोड़ी देर में। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा सा बनके तैयार होने वाला है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक बार अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपके पराठे कैसे बने। तो देखिए मेरा इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 5 मिनट में मेरा पराठा बन करके तैयार हो गए हैं। मेरे पराठे बन करके तैयार हैं, मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। क्या बात है, मेरे मूंग दाल के पराठे बन करके तैयार हैं। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।